दोस्तों मैंने कल अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 3 देखा और दोस्तों ये वहीं से एक्जैक्टली स्टार्ट होता है जहाँ पे सीजन 2 एंड हुआ था। मतलब जहाँ पे जो अम्ब्रेला एकेडमी के हीरोज होते हैं, जब वो टाइम ट्रैवल करके अपने प्रेजेंट में जाते हैं तब उनको पता पड़ता है कि अम्ब्रेला एकेडमी जैसी कोई चीज ही नहीं है उस जमाने में, उसकी जगह स्पैरो एकेडमी ने ले ली है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो उनको पता पड़ता है कि उन्होंने दूसरी टाइमलाइन क्रिएट कर दी है जिसकी वजह से उनका एग्जिस्टेंस नहीं है इस टाइमलाइन के अंदर। अब इसी वजह से एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है जो कि पूरी कयामत का रीजन बनता है। इस बार तीनों सीजन में भाई कयामत को सॉल्व करा गया है। पहले तो सीजन में वार्निया के थ्रू होता था लेकिन इस सीजन में ब्लैक होल के होता है। अब भाई पूरी सीरीज के अंदर यही चलता रहता है कि किस तरीके से बचाएंगे, एंड में बचाते हैं या नहीं बचा पाते, अब सीरीज देख के पता करना। लेकिन भाई ओवरऑल सीरीज बढ़िया है। मैं बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं कहूंगा क्योंकि भाई सारा फोकस ड्रामा के ऊपर रहता है, मतलब सारे कैरेक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप जो इसी के ऊपर रहता है। कयामत से दुनिया को बचाने पर वो लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, मेरे को जो काफी ज्यादा इनसेंसिबल लगा। लेकिन देखने लायक है, एक बार तो देख सकते हो डेफिनेटली, लेकिन मेरे को नहीं लगता है इसका कोई सा भी एपिसोड आप एक से ज्यादा बार एंजॉय करोगे। और अगर आपको और भी रिव्यूज रिकमेंडेशन अपडेट्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना।